बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल एशिया कप 2018 का मैच देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप भी इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल मैच अपने मोबाइल फोन अपने लैपटॉप पर लाइव देखना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन पे अपने कंप्यूटर पे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच लाइव देख सकते हैं। उसका क्या तरीका कार है, उसके तरीका कार के लिए आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन में ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। गूगल में आप जाएंगे, गूगल में जाने के बाद आप वहां पर जैसे ही ओपन करेंगे आपने वहां पे लिखना है वॉच क्रिक WATCHCRIC। आपने ये लिखकर एंटर दबा देना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे आपके पास सामने कुछ रिजल्ट ओपन होंगे, जो उसमें पहला रिजल्ट होगा कि नीचे लिखा होगा वॉच क्रिक, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, गूगल भी खोलने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास ये सामने ये चीज ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ये चीज ओपन होगी अब आपके सामने मैचेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आज कौन कौन से मैच हो रहे हैं। आपको पता है कि आज इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, तो ये आपके पास दोनों सामने शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। आप जिस चैनल से भी मैच देखना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास सामने लाइव मैच चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हम देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे किसी भी चैनल पे क्लिक कर देना है तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा, क्योंकि अभी तक मैच लाइव चल नहीं रहा, तो यहाँ पे आपके पास मैच दिखाना शुरू हो जाएगा। एक और चीज आपको बताता चलूं कि आप नीचे देख सकते हैं, अगर आप देखते हैं किस चैनल पे आपके पास मैच रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, तो आपके पास नीचे और भी ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये देखें चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4 का, आप यहां से कोई भी चैनल तब्दील कर सकते हैं, तो आपके पास जो है वो मैच बिल्कुल लाइव बराह रास्त बगैर एड्स के चलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह दोस्तों अगर आप बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच देखना चाहते हैं या किसी भी मुल्क का मैच देखना चाहते हैं, आपने इस वेबसाइट पर आना है, आपके उस मुल्क का नाम यहाँ पे सामने स्टार्ट होना शो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। अब फॉर एग्जांपल बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच देखना है तो आपने यहाँ पर किसी भी चैनल पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस चैनल पर क्लिक करेंगे अगर मैच लाइव चल रहा होगा तो आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें क्योंकि वो कह रहा है द चैनल इज करंटली ऑफलाइन, क्योंकि अभी तक मैच का आगाज नहीं हुआ, ये मैच के आगाज से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैच शुरू हो जाता तो यहाँ पे आपके पास सामने डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई मुश्किलात सामने आ रही हैं तो आप यहाँ से नीचे से चैनल तब्दील भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक बिल्कुल सिंपल तरीका कार जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पे क्लिक करनी है, आपके पास सामने मैच चलना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर बताइए कि आपको ये तरीका कार कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए क्योंकि यहाँ से आपको तमाम लेटेस्ट मालूमात मिलती है।